उज्जैन में शासकीय अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास में शनिवार दोपहर छात्रों ने हंगामा कर दिया, जिसके चलते काफी बवाल हो गया। हंगामे का कारण सरकारी हॉस्टल में शिफ्ट करना है। छात्रों का आरोप है कि सरकारी छात्रावास में सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते दिक्कत आएगी। इसी मुद्दे को लेकर छात्राओं में काफी रोष है और वो नए छात्रावास में शिफ्ट होने का विरोध कर रही हैं। तो वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, मतलब ना लेट बात है ना कुछ, प्रॉपर कुछ भी सुविधा नहीं है। हम वहाँ पे 6 हॉल है, 6 हॉल में से एक तो स्टोर रूम रखेंगे वहाँ पे, उसके बाद हमको 5 रूम में रखा है, तो 5 रूम में 10 से 12 लड़कियाँ रखेंगे, जिसमें से हम लोग मतलब पढ़ाई तो कर ही नहीं पाएंगे। और ठीक है, और लेट बात की सबसे मेन समस्या हमारी, तो वो समस्या जब तक मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो उसके बाद ही हम यहाँ से खाली करके जाएंगे। कितनी छात्राएं यहाँ पर है? यहाँ पे टोटल 50, हम लोग 1 साल से रह रहे हैं। ये प्राइवेट बिल्डिंग है तो बिल्डिंग वालों ने तो आपको खाली करवाया होगा? नहीं, उन लोगों ने हमको बोला था, तो हमने मैडम से बात करी तो मैडम ने बोला कि ये हमारा मामला है, तुम लोग बीच में मत बोलो। जानकारी के मुताबिक 50 छात्राओं को विक्रम वाटिका के पास स्थित शासकीय छात्रावास में शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल वर्तमान में जिस होटल में छात्राएं रह रही हैं, वो पंचमपुरा स्थित निजी बिल्डिंग में संचालित हो रहा है। मकान मालिक का कहना है कि 3 मंजिला बिल्डिंग के 10 से अधिक कमरों का 22,000 रुपए किराया मिल रहा है, जो काफी कम है। इसी के चलते उन्होंने कई महीने पहले विभाग को हॉस्टल खाली करने के लिए कहा था। प्राइवेट बिल्डिंग में संचालित हो रहा है, यहाँ पर जो है ये मकान मालिक को जो किराया है इसका पूर्ण नहीं रहा, तो इन्होंने खाली करने के लिए काफी समय से 3-4 महीने से ये लोग लगातार हमको कह रहे हैं इसको खाली करने के लिए। अब निर्णय ये हुआ है कि जो विक्रम वाटिका परिसर हमारा है, वहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग है, उसमें हमें बच्चों को शिफ्ट कर। कितना किराया था यहाँ? इसका 22,000 किराया था, और चूंकि उज्जैन में तो किराया बहुत मकानों का काफी हो चुका है, तो ये लोगों का इनका जो क्यों नहीं जाना चाहते ये, इसलिए ये बच्चा इसलिए इनका कारण हो सकता है। लेकिन वहाँ पर सुविधाएं हैं, वहाँ पे हॉल्स हैं, कमरे बने हुए हैं, 4 टॉयलेट्स हैं, इसके अलावा सामने भी हमारे और भी उसमें 4-5 हॉस्टल्स और हैं, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में टॉयलेट सब कुछ। शनिवार को अनुसूचित जाति विभाग की अधीक्षिका पल्लवी यादव और क्षेत्र संयोजक दीपक वैश्य होटल खाली करने पहुंचे तो छात्राओं ने हंगामा कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।